नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मालविया आज फिर से आपका स्वागत करता हूं चावंडा मोटर बॉडी के एक और ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक 2016 मॉडल के बारे में, जिसको फिर से हमने रीस्टोर किया है 2020 मॉडल में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। गाड़ी की बॉडी की अगर बात करते हैं तो बॉडी आप देख सकते हैं बाहुबली पैटर्न के अंदर महाराजा क्वीन सूरत की ये गाड़ी है। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार और लग्जरी गाड़ी बनी हुई है। आप देख सकते हैं अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो है इसमें 35.5 की एंगल लगी हुई है। रेडियम टच आप इसका देख सकते हैं, पूरा 3D कलर के अंदर रेडियम टच है। साथ ही साथ अगर आप कलर की गहराई देखेंगे भैरवनाथ, आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग से लिया है, काफ़ी गोल्डन टच अप सारी डिजाइन इसमें डाली है। हमारा जो एड्रेस है चावंडा मोटर बॉडी कांकरोली राजसमंद राजस्थान। हमारा वर्कशॉप उदयपुर से 50 किलोमीटर, भिलवाड़ा से 80 किलोमीटर, नीमच से 140 और जयपुर से 300 किलोमीटर मात्र है। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7297829820590, इस पर आप कॉल से कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ बॉडी की फैसिलिटीज़ के बारे में तो स्पेयर सीढ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाड़ी लंबी है 8 फुट की, तो पीछे से अगर आप माल लोड करते हैं बाई चांस तो आगे का जो माल है वो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं या फिर खाली कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं स्टील के कंडे वगैरह काफ़ी शानदार लगते हुए 3D चेक्स पैटर्न में ये जो पट्टा देख रहे हैं आप काफ़ी शानदार दिख रहा है। और गाड़ी जो है गहराई में दिख रही बिल्कुल, यानी कि जो कलर है इसका पूरा अट्रैक्टिव कलर दिख रहा है। व्हील कैप्स आप इसके देख सकते हैं, फाइबर की व्हील कैप्स लगी हुई है। बॉडी के जो नीचे है 3 कलर के अंदर लाइटिंग दे रखी है, ग्रीन, पिंक और ब्लू, ताकि बाई चांस गाड़ी अगर नाइट को ख़राब हो जाती है तो आप आसानी से उसका काम कर सकते हैं। फोटो वाले रबड़ की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो फोटो वाले रबड़ है मटलेफ उसको बोलते हैं, जो कि कीचड़ से जो आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब ना होगी। और थोड़ा सा हम साइड में चलेंगे तो आप देख सकते हैं चेन की डिज़ाइन जो है काफ़ी शानदार दिखती हुई। फिर अगर हम थोड़ा साइड में अगर केबिन की बात करें तो यहाँ पर आप इसका कैरियर देख सकते हैं, पीछे से पूरा आगे तक है, कोई जॉइंट नहीं है। अगर आप लगेज वगैरह यहाँ पर लोड करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ स्टील के कंडे आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियम टचअप के साथ। डोर वाइज़र आप देख सकते हैं, डोर वाइज़र की फैसिलिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि बारिश के मौसम में अगर पानी गिरता है तो आप अगर आप हाफ का खोलकर भी गाड़ी चलाएंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। तो उससे पहले इस गाड़ी के जो ओनर हैं उनसे हम आपको थोड़ी कुछ बात करवा देते हैं। तो ये हमारे जो गाड़ी के हैप्पी कस्टमर हैं इनसे इनका नाम पूछेंगे। भैया आपका शुभ नाम? नारायण योगी। अच्छा नारायण जी योगी, तो नारायण जी गाड़ी कहाँ से बनवाने लेके आए कस्टमर को बताइए आप? सूरत। सूरत से? अच्छा, तो हमारा जो नंबर है कैसे मिला आपको? यूट्यूब के माध्यम से। तो यूट्यूब की सुविधा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी। और इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपकी गाड़ी मैक्सी ट्रक कितने दिनों के अंदर तैयार हो चुकी है? 7 दिनों के अंदर। यानी कि 7 दिन के अंदर हमने आपको बॉडी और ये डेकोरेशन सारा काम कंप्लीट करके दिया। 7 दिन। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछूंगा कि बॉडी और ये जो आपका रेडियम वगैरह अंदर स्लीपर लग्जरी सीट, सीट कवर, छत, डैशबोर्ड, कपड़ा और लाइटिंग कितने में सारा काम हो गया आपका? ये 65,000 बॉडी और कार्ड के और 10,000 अलग से। यानी कि 65,000 बॉडी और 10,000 का डेकोरेशन, यानी कि 75,000 में ये गाड़ी रेडी हो चुकी है। अब मैं नारायण जी से पूछूंगा कि नारायण जी आप हमारे कस्टमर को और कुछ बताना चाहें तो बताऊंगा। यहाँ पे काम अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वालिटी है काम में, क्वालिटी लगी आपको? हाँ। और ये जो हमारे इनके फ्रेंड है काफ़ी, ये भी हैप्पी कस्टमर है, शाहरुख खान लगते हैं बिल्कुल। तो शाहरुख जी काम कैसा लगा आपको? बहुत जोरदार, मजा आ गया बिल्कुल, छेला छे काम। तो आप देख सकते हैं काम काफ़ी इनको अच्छा लगा है। अब जो है अगर फ्रंट की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं। कैरियर की सबसे पहले हम बात करेंगे, कैरियर आप फ्रंट से देखिए इसका काफ़ी शानदार और एक कंफर्टेबल कैरियर दिखता हुआ गाड़ी पे बिल्कुल शोभर दिख रहा है और लुकिंग वाइज अच्छा दिख रहा है। बम्पर आप देख सकते हैं इसका शानदार बम्पर बना हुआ, 3 डेड की चैनल ऊपर भी लगा रखी, नीचे भी लगा रखी। चेन की डिजाइन आप देख सकते हैं काफ़ी गोलाई के अंदर, तिरंगा कलर हमारे इंडियन कलर है, काफ़ी शानदार। रेडियम टच आप देख सकते हैं, ग्लोसी और 3D रेडियम टच। हेडलाइट का विजिबिलिटी काफ़ी शानदार अच्छी दी हमने, ताकि नाइट विजन में अगर गाड़ी लंबी चलती है तो गाड़ी की रोशनी लंबी गिरेगी। फिर अगर हम थोड़ा नज़दीक की बात करें तो आप चेक्स पैटर्न बोनट के ऊपर आप देख सकते हैं रेडियम टच, जो कि स्कॉर्पियो की डिज़ाइन के अंदर काफ़ी शानदार दिख रहा है। बाज की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लाइटिंग यहाँ पर भी कर रखी है। फ्रंट शीशे की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रेडियम टच काफ़ी शानदार महादेव पैटर्न के अंदर। जय श्री राम के भक्त हैं कस्टमर हमारे, तो बालाजी का फोटो लगा हुआ है। 3D लाइटिंग टच यहाँ पर भी देख सकते हैं। स्लीपर पैटर्न साइड ग्लास आप देखिए, तिरंगा पैटर्न जो आप साइड ग्लास लगवाते हैं काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, गाड़ी चलते समय हिलते हैं, ये जो है हैवी रहते हैं बिल्कुल। और साइड ग्लास यहाँ पर देखिए, झुमके वगैरह, स्टील के कंडे वगैरह काफ़ी शानदार। अब जो है थोड़ा कैरियर की अगर बात कर लेते हैं हम, तो केबिन के अंदर का हम थोड़ा सा आपको रिव्यू कराएंगे।
सीट कवर्स आप इसके देख सकते हैं, कंफर्टेबल सीट कवर्स ब्लू कलर के काफ़ी शानदार दिखते हुए। साथ ही साथ डैशबोर्ड कपड़ा आप इसका देखिए, मैचिंग कॉम्बिनेशन के अंदर लिया है। लग्जरी छत की अगर बात करें तो आप छत इसकी देख सकते हैं, उल्टी छत जो काफ़ी शानदार दिख रही है 3D कलर के अंदर, पूरा जो हमारे कस्टमर की चॉइस के हिसाब से किया गया है। फिर आप यूनिक वर्क यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्लाई है काफ़ी शानदार दिख रही है। अदर गाड़ियों के अंदर कंपनी जो शीट लगा के देती है थोड़ा बेहतर लुक देती है प्लाई में। सीट कवर की हम बात कर ही चुके हैं, सीट टूल जो है बीच में बना रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जैक पाना वगैरह कुछ भी रखते हैं तो आराम से रख सकते हैं। मैटिंग आप इसकी देख सकते हैं, ग्रीन कलर की मैटिंग बिछी हुई है। स्टेयरिंग कवर हमने साथ में लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरदान के अंदर चेन की डिज़ाइन काफ़ी शानदार दिख रही है। अब जो है हम गाड़ी का आपको पीछे का और दूसरी तरफ का आपको रिव्यू कराएंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और भी एंटिक लगेगा क्योंकि अब हम गाड़ी के पीछे की बात करने वाले हैं, बैक साइड की। तो आप देख सकते हैं बैक साइड के अंदर हमारे इंडियन कलर में जो ब्लू हॉर्न लिखा हुआ है काफ़ी शानदार लिखा हुआ है। साथ ही साथ ब्रेक लाइट की विजिबिलिटी हम अगर बात करें तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दी है हमने तिरंगा कलर के अंदर। नाइट में अगर पीछे वाला गाड़ी वाला जो आता है आपको आसानी से आपकी ब्रेक लाइट दिखेगी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर हम बम्पर की बात करें तो आप देख सकते हैं हेवी बम्पर बना हुआ है नंबर प्लेट के साथ। गाड़ी आप देख सकते हैं गुजरात की GJ05BV2234 इसका नंबर है। टेक्स पैटर्न रेडियम टच हमने दे रखा है, नाइट विजिबिलिटी के लिए काफ़ी शानदार है। इंडियन कलर के अंदर आप देख सकते हैं पीछे फ्लैग हमारा, जो कि हमारा राष्ट्रीय झंडा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं गत्ते पर झुमके वगैरह लगा रखे हैं, स्टील के कंधे आप देख सकते हैं रेडियम टच के साथ। कट कपड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ। गाड़ी चलते वक्त गाड़ी का जो कलर है बिल्कुल ख़राब ना होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेपनी सिस्टम का जो है चुटकने वाला सिस्टम है, मल्टी लाइटिंग यहाँ पर भी कर रखी है। फुल की डिज़ाइन आंकड़े देख सकते हैं आप रस्सी वगैरह करने के लिए, और शीट जो है डाले की 18 गेज की शीट लगी हुई है। फिर अगर हम दूसरी तरफ से अगर शुरुआत करते हैं फ्रंट से तो आप देखिए गुलदस्ता जो है काफ़ी शानदार नेचुरल गुलदस्ता। वरुनाथ मोटर्स आप देख सकते हैं, पूना गांव सूरत की ये गाड़ी है। त्रिशूल महादेव जी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंटा बॉक्स का पूरा सिस्टम आप यहाँ पर देखिए, कम्प्लीटली फंटे रखने के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं डीजल टैंक के बॉक्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉकिंग सिस्टम के साथ डीजल टैंक का बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। रस्सी तरपार करने के लिए आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ये जो आंकड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, अंदर जो बाइक हमने लोड कर रखी है तो आप देख सकते हैं आसानी से जो रस्सी है इसमें आप सेफ्टी से लग जाएगी। तो बॉडी की जो है कलर क्वालिटी वाला कर रखा है, 3 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। कैरियर की हम बात कर ही चुके हैं, रेसिंग वाली ग्लास पर डिजाइन देख सकते हैं, रेडियम टच फुली हम बात कर चुके हैं। तो मैं हमारे सभी MP, UP, कर्नाटक, हरियाणा, मद्रास, पंजाब, ऑल ओवर सभी स्टेट के कस्टमर से यही बोलूँगा कि अगर आप कहीं से भी काम करवाते हैं तो सोच समझ के करवाएं, अच्छी क्वालिटी वाला काम करवाएं, भले ही पैसा 2 पैसा ज़्यादा लग जाए पर अच्छा काम करवाएं। और मैं आपका अपना नीरज मालवीय आपसे यही बोलूँगा कि बहुत दिल से काम करते हैं, दिल से वीडियो बनाते हैं, मेहनत से सारा काम करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से हम कुछ नया और यूनिक वर्क आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।